हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस योर बॉय आरिफ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उड़ता दिल्ली। तो गाइस, मैं आज अबाउट क्या हूँ, एक एंट्रोक लिया हूँ मैं न्यू, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप बताना कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँगा अपना एंट्रोक, बट जैसे भी लिया है अपने लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइक स्कूटी लेना। मेरा ड्रीम था ये लेने के लिए, बट मैंने ले ही लिया आज, तो मैं आज रिव्यू करता हूँ। दो दिन पहले लिया था क्योंकि जब दिल्ली में बारिश हो रही थी, तो इसलिए उस दिन बना नहीं पाया वीडियो, तो मैं आज बनाया हूँ, तो मैं आज को आप दिखा दूँगा। ओके, रिव्यू करके बताना एक बार कैसा है कैसा नहीं है। वैसे तो मेरे को तो कलर भी बढ़िया लगा, बिल्कुल जेन्युइन कलर है, ऐसा कलर आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। रेड, ब्लैक, येलो, ये बहुत सारे मिलते हैं, बट ऐसा नहीं। आओ मैं आपको दिखा रहा हूँ, करके आपको मीटर में जाए। तो इसका आप साउंड सुनो, बाइक का साउंड सुनो, साउंड किया है, बट इंसान के बजट की बात होती है, ये न्यू नहीं है, सेकेंड हैंड है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। सेकेंड हैंड मार्केट में हम बहुत सारे रिव्यू भी दे सकते हैं, बट भाई ये स्कूटी अगर सेकेंड हैंड मार्केट में आप जाओ, सेकेंड हैंड मार्केट में आपको पांच चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहली बार इसकी ओनर, फर्स्ट ओनर है, सेकेंड ओनर, उसके बाद आपको टायर भी देखनी पड़ेगी, इसकी कंडीशन, कहीं स्क्रैच वगैरह ना हो, और माइलेज, सबसे पहली बात माइलेज, और मीटर चेंज, मीटर जो चेंज वगैरह भी हो जाता है, वो सब सब चीज़ को जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और इसका रिव्यू भी हम आपको दे देंगे। मतलब किस हिसाब से हमने लिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने दिया है, सब कुछ ए टू जेड आपको बताएंगे। अगर इसके लिए हम पूरी वीडियो बनाएंगे, अगर इसमें हर चीज़ कहते हम, तो हर चीज़ हम कहें, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि आप लंबी हो, शॉर्ट में आप देख लें। अगर आप भी परचेस करना चाहते हो सेकेंड हैंड मार्केट, उसके भी हम रिव्यू देंगे हम आपको। तो गाइस, बहुत ही अच्छा कंडीशन है, मैंने चलाया, दो दिन चलाया, और आगे उसके यार बताएंगे। और तो गाइस, पांच चीज़ों के अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप देखना चाहोगे, मतलब किस हिसाब से हम रिव्यू, मतलब अगर सेकंड हैंड हम लेने जाएँ तो किस हिसाब से गाड़ी को देखें। सबसे पहली बात, आप कोई भी ओनर आपको दिखाएगा गाड़ी, तो आप भी देखें। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑन कर लें, और एंट्रोक में खासियत ये होती है कि आप ये ट्रिप देख लें, बटन देख लें, मोड वगैरह चालू होते कि नहीं। जैसे हमारा देखिए, ये मोड की बटन चल रही है, ठीक है, सब कुछ चलता है, हमारा सेट वेट सब कुछ चलता है। ये देख लेना हीट की, मतलब किसी किसी में चलती नहीं है, ऐसे हमारे में प्रॉब्लम आई थी, हमारे में तकलीफ हो गई थी, हम बार बार गए थे, तो ऐसे चक्कर लगाना पड़ जाता है। ये मीटर भी सही देख रहे हो आप, एंट्रोक का टायर भी आप देख सकते हो, खासियत है कि एक्टिवा जुपिटर से ज़्यादा चौड़ी टायर इसकी होती है, और इसका अलॉय व्हील भी लगी होती है। अलॉय व्हील बहुत खास है, हमने अभी मॉडिफाइड नहीं कराया, मॉडिफाइड भी कराएंगे तो आपको बता देंगे। इसकी भी अलेवेबल होती है, आप कीचड़ यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। मैंने आपको कहा था दिल्ली में दो दिन बारिश हुई थी, इस चक्कर में हमने दो दिन बहुत चलाई है इसे। तो देखिए टायर आप देखो, अभी भी न्यू है टायर, देखो आप इसमें, ये न्यू टायर है बिल्कुल भी, ये भी, और डिस्क ब्रेक है इसमें, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, आप देख सकते हैं, ये देखो ये डिस्क ब्रेक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है डिस्क ब्रेक के लिए। और ये आप क्वालिटी, पीछे का टायर भी देखो आप, बहुत ही बढ़िया। इसमें अलेवेबल सबसे खूबसूरत ये लगती है कि स्कूटी में पहला स्कूटी है जो अलेवेबल है इसमें। तो गाइस, सबसे पहली बात कि हमने मतलब अपने दोस्तों से पूछा था कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, जब मैं लेने गया था दोस्त बताते ये ले, एक्टिवा ले, जुपिटर ले, तो वो ले, तो एक ज़्यादातर रिव्यू इंसान का एंट्रोक ले, बहुत अच्छी स्कूटी है, बहुत अच्छी चलती है। तो उसकी भाई साहब, जब हम लेने गए ना, जब हमने स्टार्ट किया, तो इसकी साउंड हमें इतना प्यारा लगा, इतनी खुशी हुई, ऐसा लगता है कि हमने स्पोर्ट्स बाइक ले लिया हो। तो दोबारा आपको मैं साउंड सुनाता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत ही अच्छा, मैं बार बार मैं कहता रहा, मैं देता रहूँ रेस इसमें। ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आज आप साउंड सुनो, आप इसका साउंड सुनो, स्पोर्ट्स बाइक की तरह मैं अभी इसका रेस दे रहा हूँ, ठीक है, रेस में दे, रेस में, रेस में, रेस में। एक से एक चली जाती है रेस में।
तो गाइज आप साउंड बताना, साउंड आपको कैसी लगी है? मेरे हिसाब से तो मैं पसंद से मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैंने एंटोक ले ली है, सेकंड हैंड ली है, बट मेरे लिए तो नया ही है भाई। साला वैसे बोल लेता हूँ, वीडियो में बोला नहीं जाता। तो गाइज मैं आप चीज़ को ये चीज़ बता देता हूँ कि मतलब एक इसमें है कि फ्यूल, हाँ फ्यूल। तो एंट्रक में एक चीज़ है कि डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये मतलब फ्यूल तो खाता है भाई। इसमें रिव्यू तो मैं दूंगा ही बाद में, मैं आपको एक लीटर पेट्रोल का चैलेंज भी करूंगा इसमें कितना देता है, बट फ्यूल लेता है ये। तो मैं आपको चलो दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये रखी, ये डाली, ये आप लेफ्ट साइड करोगे, इसे अपनी लेफ्ट करोगे तो आपको देखो ये फ्यूल का खुल जाता है। ये है फ्यूल का सिस्टम, दिखाने की ज़रूरत नहीं भाई फ्यूल का मैं, ठीक है। और राइट करोगे तो आपकी डिक्की खुल जाएगी। तो डिक्की में मेरा बहुत सामान है, आप देख सकते हो, ट्राइपॉड का गिम्बल है, ये है हेलमेट है। तो स्पेस अच्छा है, इसमें एक खासियत ये भी है कि आप मतलब रात को आप अगर कुछ ढूंढो तो लाइट भी है, चार्जर पॉइंट भी है यहाँ पे। तो ज़्यादा आप बता देना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, बाकी सबसे पहला वीडियो आप नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस बता देना कि कैसा लगा मेरा स्कूटी और इसका रिव्यू में, और मतलब मैं इसका माइलेज भी बता दूंगा एक लेटर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके बाय, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।